हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पिंकी। आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ बर्गर। इसे हम मैगी स्टाइल में बनाएंगे। ये सभी को बहुत पसंद आता है, ये बहुत ही फेमस फास्ट फूड है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। ये देखिए, मैंने यहाँ लिए हैं 2 बड़े आलू उबले हुए, जिसे मैंने मैश कर लिया है। यहाँ मैंने ली है वेज मायोनीज। कुछ स्लाइसेस हमने लिए हैं टमाटर के, 2 पत्ता गोभी के पत्ते इस तरह से, हरी मिर्च एक बारीक कटी हुई। यहाँ हमने 2 बड़े चम्मच गाजर ली है, जिसे बारीक काट लिया है, 1 बड़ा चम्मच उबली हुई मटर। यहाँ हमने 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच नमक। यहाँ हमने लिए हैं 5 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स। इस ब्रेड क्रम्स का वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ हमने 2 बर्गर बंस लिए हैं। यहाँ हमने लिए हैं चीज़ स्लाइसेस 2। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये मटर, गाजर, हरी मिर्च, और चाट मसाला, और ये नमक। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इस आलू टिक्की को क्रिस्पी करने के लिए और इसको बाइंड करने के लिए मैं इसमें डालने जा रही हूँ 1 चम्मच, और ये 2 चम्मच मैंने यहाँ 2 चम्मच ब्रेड क्रम्स डाला है। और अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसका डो लगा लिया है, और अब हम इसकी टिक्की बनाएंगे। देखिए, हम हाथों पे तेल लगाएंगे और इस डो को भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसमें से इस तरह से इसको साइड में कर देते हैं, और इसे हाथों पे इस तरह से रोल करेंगे और इस तरह से दबा के, अंगूठे से इस तरह से दबा के घुमाते हुए आके, ये देखिए इसकी एक टिक्की बनकर तैयार है। अब हम इसे ब्रेड क्रम्स के साथ में इसे कोट कर लेंगे। यदि आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं हैं तो आप इसे कॉर्नफ्लेक्स के साथ में भी कोट कर सकते हैं। कॉर्नफ्लेक्स को मिक्सी में पीस लीजिए और इस तरह से उसे कोट कर लीजिए। ये देखिए, हमारी आलू टिक्की तैयार है। अब हम इनको सैलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ये देखिए, हमने एक पैन लिया है, और अब हम इसमें डालने जा रहे हैं 1 चम्मच तेल, और इसे फैला लेंगे। इसे थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं। गैस को हमें मीडियम रखना है। ये देखिए, तेल गर्म हो गया है, और अब हम इसमें ये टिक्की डाल देंगे। और इन्हें मीडियम गैस पर 3 से 4 मिनट तक पलट पलट के अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा रिफाइंड डाल देते हैं। देखिए, इस साइड से हमारी टिक्की लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है, और हम इसे भी पलट लेते हैं। ये देखिए, इन टिक्कियों को हम बिल्कुल स्लो गैस पर 3 से 4 मिनट तक अच्छा क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक इसी तरह से सिकने देंगे। ये देखिए, हमारी आलू टिक्की सिक गई है दोनों साइड से अच्छी गोल्डन ब्राउन, और बहुत ही अच्छा कलर भी है और बहुत क्रिस्पी भी है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं, और इन टिक्कियों को अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, यहाँ हमने पत्ता गोभी के इस तरह से 2 टुकड़े कर लिए हैं, दोनों पत्तों के। अब हम बर्गर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक बर्गर तैयार करते हैं। यहाँ हम मायनीज लगाएंगे।
आप चाहें तो इसकी जगह टमेटो केचप भी लगा सकते हैं। और अब मैं इस पे रखने जा रही हूँ ये एक टिक्की इस तरह से। और अब हम इस पे रखेंगे ये पत्ता गोभी इस तरह से। और अब हम इस पे रखेंगे चीज़ स्लाइस। और अब हम इस पे टमाटर लगा देते हैं। और अब हम इस पे रख देते हैं ये बन और इसे हल्का सा प्रेस कर देते हैं। ये देखिए हमारा बर्गर बनके तैयार है। बहुत ही अच्छा बर्गर बना है। इसी तरह से हम दूसरा बर्गर भी बना लेंगे। यदि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए।